जीरो और मिस्टर मुलायम सिंह यादव आफ्टर शिवशंकर जी अध्यक्ष महोदय बोलो आई हैव कार्ड महोदय महोदय आप जीत गए छत्तीसगढ़ बनाते रहना आदर्श महोदय हमने मांग की थी कि चार चुनाव के नतीजे के बाद प्रधानमंत्री जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और आज दादा नेता चले प्लीज और इसके नो बहिर की बात आई हैव अलाउड हिम प्लीज प्लीज नो नो प्लीज आई अलाउड हिम प्लीज अध्यक्ष महोदय प्लीज प्लीज टेक योर सीट क्या चाहते हैं हम लोग फिर बता देंगे तुरंत आज बना तो वो तो चाहते ही है ये नो प्लीज नो प्लीज प्लीज टेक योर सीट हाँ आदत महोदय हमने कहा और ये के बजाय विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट मिस्टर बजाय है इस्तीफा क्यों देना चाहिए इस संबंध में भी हम आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहते हैं क्यों के लिए भी किशन लाल जी आपको भी मौका देंगे प्लीज टेक योर सीट चार प्रदेश बोल रहे हैं इसे मानवर हमने इसलिए कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अविश्वास लाइए और सदन के अंदर बहुमत सिद्ध कीजिए जब जनता ने ही पूरी तरह से इस सरकार को अस्वीकार कर दिया है तो इस सदन में अवसर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है कोई भी और अब इसलिए भी मानक इसके बजाय क्या है आइदर आइदर ही नो नो प्लीज आपको भी मौका देंगे बढ़ती हुई महंगाई दिस इज नॉट किंग आवर बेटर वी विल नॉट अलाउ हिम टू से ऑन दिस मिशन नो दिस इज नॉट किंग आवर बेटर आई एम सॉरी दिस इज नॉट किंग आवर बेटर वो प्लीज से नहीं बैठते हैं लोग नहीं बोलते ऑनरेबल मेंबर प्लीज चेक योर सीट आई एम अलाउड हिम प्लीज चेक योर सीट और जनता ने क्यों स्वीकार किया कि बढ़ती हुई महंगाई और ये मामूली महंगाई नहीं उत्पादन में कमी आई है 600 करोड़ और महंगाई बढ़ी है 600% और केवल आलू प्याज या तेल का मामला नहीं दाल सारी के सारे चाहे टमाटर हो हर चीज की महंगाई नमक और उसका नतीजा क्या निकला महंगाई का कि आज हमारे देश के बहुत सारे गरीब लोग खुराना साहब क्या चाहते हो कबड्डी खिलवाना चाहते हो कबड्डी खेलना हम लोग जानते हैं Nothing will go on record except Mulayam Singh's speech. Nothing will go on record. I allowed him. Please take your seat. This super speaker, sir, should be controlled. दादाज मैं कह रहा था कि इस महंगाई के कारण आज हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 48% लोग एक बार खाना खाने के लिए मजबूर हो गए एक बार और फिर और उनको स्वीकार न करना ये कहना कि महंगाई क्यों बढ़ गई और कहा कि बेमौसम की वजह से महंगाई बढ़ी मुलायम सिंह ये कोई तर्क है कोई तर्क मुलायम सिंह जी इलेक्शन हो गए हैं ना अब सुनिए महंगाई का इसे आज प्रधानमंत्री ये कहकर के कहे कि बेमौसम और इंद्रदेव खिलाफ हो गए इसलिए बाढ़ आ गई से महंगाई बढ़ गई और अगर महंगाई घट जाएगी तो प्रधानमंत्री खुद हो गए ये कुतक नहीं चलेगा असले स्वीकार करना पड़ेगा जब इन्होंने कहा था कि सितंबर के महीना तक अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी ठीक हो जाएगी तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था खराब और की और इसे जनता ने अस्वीकार किया है जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है
कि पूरी की पूरी कानूनव्यवस्था भंग हो गई। और कितनी भंग हुई, हम विस्तार नहीं जाना चाहते। उग्रवाद बढ़ा, हत्याएं बढ़ी, और हत्याएं इस सीमा तक बढ़ी हैं कि उनके विरोधियों अपने विरोधियों के सरकार ने हत्याएं भी कराई। और फिर जब ये कहते हैं कि गृहमंत्री कहते हैं कि हमारी जान को खतरा है, हो सकता है खतरा है, तमाम उन पर एजेंसी हैं, हम मानते हैं कि खतरा है। जब गृहमंत्री हमारे देश का स्वीकार करता है कि हमारी जान को खतरा है, तो जब हमारे देश का गृहमंत्री सचेत नहीं है, तो आम जनता की हालत क्या होगी, इससे ज्यादा सबूत और क्या हो सकता है। तब हम मांग करते हैं कि जरा भी हया है, जरा भी शर्म है, जरा भी नैतिकता है, तो इस सरकार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, जो सरकार का गृहमंत्री सुरक्षित नहीं है। ऐसे हम सोमनाथ बाबू सत्ता का दुरुपयोग करके लालू प्रसाद जी को और तमाम को जेल में डाल रखा है, और बिहार की सरकार को बार बार अस्थिरता करने के लिए प्रधानमंत्री जब बिहार में जाके कहते हैं माफिया राज है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां 19-19 माफिया मिनिस्टर बने हुए हैं, लूटपाट भ्रष्टाचार सब हो रहा है, और इसी तरह चीनी पूरे उद्योग बर्बाद हो गए, और अध्यक्ष महोदय चीनी पाकिस्तान से खरीद करके, और पता ये चल रहा है कि सच है या कहा जाता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के चीनी मिल की चीनी खरीदी जा रही 900 करोड़ खरीदी ली गई है। और ये भी सुना है कि यहाँ के भी एक मुख्य जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनके संबंधित वो चीनी फोन कर रहे, ये मामला है करोड़ों का, पूरे लूट रहे, नतीजा ये पूरा हमारा उद्योग खत्म हो रहा है, खेती खत्म हो रही है, और हमारा पूरा गन्ना किसान पूरा का पूरा बर्बाद किया जा रहा है। और मैं सीधा सीधा हमारा आरोप है कि अगर प्रधानमंत्री पाकिस्तान उनके चीनी मिल के ये सच्चाई है कि उनके चीनी मिल की चीनी खरीदी गई, या यहाँ के मंत्री या किसी के दोस्त या मित्र के चीनी इंपोर्ट कर रहा है, अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसलिए आज मुलायम सिंह कहते हैं कि और अब चीनी खेल रहा है प्रधानमंत्री जी, तो देने वाला जो पूरा का पूरा कर रहा है चीनी उद्योग पूरा बर्बाद किया जा रहा है। इसी तरह से सारी की सारी यही नतीजा हुआ कि राबड़ी देवी की सरकार को बार बार बर्खास्त करना और धमकी देना, उसी का तो नतीजा है कि चारों की चारों सीटें हार गए और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा और समर्थन चारों के चारों जीत गए। हमारी पार्टी का क्या हाल हुआ, इनकी जमानत जब्त हो गई यूपी में, भाजपा का एक ही चुनाव था, ईसाइयों को ईसाई स्कूल ईसाई अस्पताल कहां पर आप देख रहे कर्नाटक में जिस तरह से ईसाइयों पर हमला करके और पीठ पर आज पूरे दक्षिण भारत में तनाव पैदा कर दिया गया। और अध्यक्ष महोदय आपको नहीं जानकारी हो, अलीमिया जैसे लोग आज हिंदुस्तानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अलीमिया जो एक धन पेशा के प्रतीक, हिंदू और मुसलमान की एकता के प्रतीक, हमारा और पूरे एक धार्मिक नेता पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उनके घर पर छापा मारा गया, इसलिए जनता स्वीकार किया गया, इसको बर्दाश्त करेंगे? अलीमिया के घर पर छापा मारा गया ये कह करके ये पाकिस्तानी एजेंट हैं अलीमिया को, इस तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर ईसाई और मुसलमान किसान पिछड़े दलित और हमारी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के हत्याएं करना और लालू प्रसाद जी को दुश्मनी से राजनीतिक दुश्मनी से जेल में डालना, उसके नतीजे भोगना पड़े हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जनता ने आपको अस्वीकार किया है, इसे आपको शर्म अगर होती है या होती तो इस्तीफा देना चाहिए था, और इस्तीफा नहीं देंगे। और ये प्रधानमंत्री ने कहा छापा किसने मारा, नित पोखरण सारा जीत गए, हमारी पार्टी का क्या हाल हुआ, इनकी जमानत जब्त हो गई यूपी में, आज भाजपा का एक ही चुनाव था, ईसाइयों को ईसाई स्कूल ईसाई अस्पताल कहां पर आप देख रहे कर्नाटक में जिस तरह से ईसाइयों पर हमला करके और पीठ पर आज पूरे दक्षिण भारत में तनाव पैदा कर दिया गया। और अध्यक्ष महोदय आपको नहीं जानकारी हो, अलीमिया जैसे लोग आज हिंदुस्तानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अलीमिया जो एक धन पेशा के प्रतीक, हिंदू और मुसलमान की एकता के प्रतीक,
हमारे पूरे एक धार्मिक नेता पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उनके घर पर छापा मारा गया, इसलिए जनता स्वीकार किया गया, इसको बर्दाश्त करेंगे? अली मियां के घर पर छापा मारा गया ये कह करके ये पाकिस्तानी एजेंट हैं अली मियां को। इस तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर ईसाई और मुसलमान, किसान, पिछड़े, दलित और हमारी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के राष्ट्रीय जनता दल के लोगों की हत्याएं करना और लालू प्रसाद जी को दुश्मनी से, राजनीतिक दुश्मनी से जेल में डालना, उसके नतीजे भोगना पड़े हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जनता ने आपको अस्वीकार किया है, इसे आपको सर्वागर होती हया होती तो इस्तीफा देना चाहिए था और इस्तीफा नहीं देंगे। और ये प्रधानमंत्री ने कहा छापा किसने मारा? तो पोखरण का नाम उठाएंगे, राजस्थान में पोस्टर हमने देखे हैं कि पोखरण का जो विस्फोट हुआ उसके पोस्टर लगवाए गए। हमारे हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत के साथ एक खोज की, हमारे हिंदुस्तान दुनिया में साबित कर दिया हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धि है। और इस चुनाव में राजस्थान के अंदर जब मैं गया था तो मैंने पोस्टर लगे देखे 1100 भारतीय जनता के पार्टी के लोगों ने, ये तक इसलिए हारे हैं। तो पूरी जनता ने अस्वीकार कर दिया है, इसलिए हम चाहते हैं क्या आप इस्तीफा देंगे? इसी तरह पाठ्यक्रम बदले जा रहे, शिक्षा पद्धति बदली जा रही है, असली इतिहास को जीरो आवर में असली इतिहास को बदल करके व्यवस्था को आज हिंदुस्तान के अंदर किताबों में लिखा जा रहा है, ये सारे के सारे हिंदुस्तान को तोड़ने की। अध्यक्ष जी, जीरो आवर में एक आदमी एक ही विषय पर बोल सकता है, सरकार को हम 50 विषय में चाहते हैं। एक एक दिन सरकार देश विरोधी काम कर रही है और जनता ने जब अस्वीकार कर दिया है तो हमारी मांग है और हम अपने मित्रों से कहेंगे आपको सद्भावना आ जाना चाहिए, इंतजार मत करना चाहिए, 3 महीने के बाद आपको भी पता चल जाए तीनों सरकारों के बारे परफॉर्मेंस। इसे मुलायम सिंह का साथ दो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के साथ दो, एक एक दिन इस सरकार को अनिमिया जब पिटेंगे उन पर छापा मारेगा, ईसाइयों को मारा जाएगा और किसानों को बर्बाद किया जाएगा, चीनी विदेश से खरीदी जाएगी, हमारे किसानों को किसान गन्नों को बर्बाद किया जाएगा, खाद मिलेगी नहीं DAP, और आज DAP छोड़ दीजिए, ये कह रहे विदेश से मंगाएंगे, विदेश से कब्जा लेंगे, DAP कितने दिन रह गए? हम किसान हैं, हमको मूर्ख बनाना चाहते हो? किसान कैसे रह गए बुवाई के? बुवाई के केवल 10 दिन बचे हैं, 10 दिन के अंदर क्या DAP आ जाएगी? DAP भी नहीं है और यूरिया भी नहीं है, और इसी तरह से अन्न का उत्पादन घटेगा तो विदेश से अन्न मंगाएंगे। ये सीधी की सीधी सरकार ने आप पूरी की पूरी सरकार की विदेश नीति के कारण हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान, चीन, अमेरिका इकट्ठा कर दिया है। और हम नहीं कह रहे हैं, इनका एक बना है, कौन है, जागरण मंच, जागरण मंच, हम तो कह ही रहे कि अमेरिका के हाथों में बिके हैं, विदेशी कंपनियों के हाथों में बिके हैं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था विदेशी कंपनियों के हाथों में चली गई है। अब इनका मंच जागरण कह रहा है कि ये अटल जी की सरकार पूरी की पूरी विदेशी कंपनियों के हाथों में खेल रही है, अमेरिका के हाथों में खेल रही है। आज पूरे देश की एकता को खतरा है, अर्थव्यवस्था को खतरा है, हमारे देश के स्वाभिमान को सबसे ज्यादा चोट पहुंची है। इसलिए आप भी हम कह रहे हैं कि अगर इस देश में कब जरा भी इस पार्टी को हया है, शर्म है, अगर बेशर्म है तो मुझे कुछ भी नहीं कहना है, वरना एक मिनट भी इस सरकार को अपने ऐसा नहीं रहना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सोमनाथ बाबू, यू आर ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट, सर नेक्स्ट नेक्स्ट।